वेलकम बैक अगेन। आज मैं लेकर आई हूँ दलिया की रेसिपी। जिनको दलिया खाना पसंद नहीं है, एक बार इस तरह से ट्राई करें, यकीनन आपको बहुत अच्छा लगेगा। दलिया बनाने के लिए हमें चाहिए 1/4 कप ऑफ दलिया, ये आपको बाज़ार में इजीली मिल जाता है, आधी कटोरी मटर, एक छोटा आलू जिसको मैंने काट के छोटा छोटा रख लिया है, एक छोटा टमाटर इसको भी मैंने बारीकली चॉप कर लिया है, और हमारी ग्रेटेड अदरक। तो चलिए हम अपना दलिया बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने पैन में थोड़ा सा देसी घी ऐड करेंगे और इसमें हम अपना हींग जीरे का छौंक लगाएंगे। यहाँ मैंने चुटकी भर हींग ऐड किया है। हींग हमारे खाने को बहुत ही ज़्यादा जल्दी डाइजेस्ट करता है और खाने के स्वाद को और बढ़ा देता है। 1/4 टीस्पून ऑफ जीरा। हमारा जीरा अच्छे से क्रैक होना शुरू हो गया है। अब हम इसमें अपना दलिया ऐड करेंगे। 1/4 कप ऑफ दलिया हमारा एक मेंबर के लिए मोर देन सफिशिएंट रहता है। अब इसको हम थोड़ा सा भुनेंगे। अच्छे से भुन गया है, अब हम इसमें अपनी ग्रेटेड अदरक ऐड करेंगे। अब इसमें हम सारी वेजिटेबल ऐड करेंगे अपनी। इसमें हम अपना आलू ऐड करेंगे पहले, अपने टमाटर और हमारी मटर। और इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। आप जब भी दलिया बनाएं हमेशा याद रखिए, जितना आप दलिया लेंगे उसका 3 गुना आप पानी ऐड करेंगे। इसमें हम थोड़े से स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून ऑफ लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला जस्ट फॉर टेस्ट। यहाँ हम बनाएंगे नमकीन दलिया, तो उसके लिए 1/4 टीस्पून ऑफ नमक ऐड करेंगे, क्योंकि कुछ लोगों को शुगर की प्रॉब्लम होती है तो वो लोग मीठा दलिया नहीं खा सकते, तो उनके लिए सबसे बेस्ट है हमारा नमक वाला दलिया। चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए हम अपने पानी में बॉयल आने का वेट करते हैं। उसके बाद हम अपनी लिड को बंद कर देंगे और 3-4 सीटी आने तक अपने दलिया को कुक करेंगे। हमारे दलिया में अच्छे से बॉयल आ गया है। एक बार हिलाते हुए हम अपने कुकर की लिड को बंद कर देंगे और 3-4 विसल आने तक अपने दलिया को कुक करेंगे। कुकर में 3-4 सीटी आ गई है। अब हम अपने दलिया को चेक कर लेते हैं। देखिए बहुत ही सुंदर रंग आया है, एकदम कलरफुल वेजिटेबल के साथ। इसको एक बार हम मिला लेते हैं और अपनी प्लेट के अंदर निकाल लेते हैं। हमारा कलरफुल दलिया बनकर तैयार है, नमकीन दलिया। अब इस पे हम थोड़ा सा देसी घी ऐड करेंगे और थोड़ा सा गार्निशिंग करेंगे हमारे फ्रेश कोरिएंडर के साथ। तो मेरा नमकीन दलिया बनकर तैयार है, आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। ये बच्चों और बड़ों दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, कम घी में बनने वाला बहुत ही बढ़िया स्नैक्स। जब खाना खाने का मन ना हो तो दलिया ज़रूर ट्राई करें और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए इंजॉय।